आई एम चंदन चौबे, दी फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, समझेंगे इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी को, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये एक्ट लीगल है या इलीगल। बट पॉइंट टू बी नोटेड, वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नॉट टू हर्ट एनीबडीज सेंटिमेंट। बट ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप लॉ है, ये कन्वे क्या करता है? तो सिंपली ये लॉ डिक्लेयर करता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का कन्वर्जन प्रोहिबिटेड होगा। जो 15 अगस्त 1947 को किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो नेचर होगा वो वही रहेगा, यानी प्लेस ऑफ वर्शिप चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या किसी भी तरीके का कोई और धार्मिक स्थल हो, उसका नेचर नहीं चेंज होगा और उससे रिलेटेड सारे डिस्प्यूट या इशू जो कुछ भी हो उन सबको इग्नोर कर दिया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं होगी। अब ये सवाल उठता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लीगल है या इलीगल, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिक्लेयर करेगा, क्योंकि एक PIL फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्क्रैप कराने के लिए, और इस PIL के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को अपना रिस्पांस सबमिट करने को कहा है। अब देखना यह है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रिस्पांस में सबमिट करती है। अगर वो इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सपोर्ट करेंगे तो इस एक्ट को हटा पाना मुश्किल होगा, बट अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के फेवर में कुछ नहीं कहती, उल्टा इसको अगर अपोज कर देती है, तो इस एक्ट के हटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। देन फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट ही इस लॉ को लीगल या इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट जब तक कोई एक्ट इलीगल डिक्लेयर नहीं होता तब तक उसे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ही माना जाता है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इलीगल कह रहे हैं उनके लॉजिक क्या हैं। तो लॉजिक की लिस्ट काफ़ी लंबी है जिसे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मैं सहारा लूंगा इसी PIL डॉक्यूमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिटेड है। देन लॉजिक नंबर वन, दिस एक्ट इज इनेक्टेड बाय यूनियन अंडर सब्जेक्ट पब्लिक ऑर्डर विच इज स्टेट सब्जेक्ट एंट्री वन लिस्ट सेकेंड शेड्यूल 7। सिमिलरली पिलग्रिमेज अदर देन पिलग्रिमेज टू प्लेसेज आउटसाइड इंडिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब हुआ कि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट के अंडर आते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन दो सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार था ही नहीं, बट यहाँ पर यूनियन ने कानून बना दिया। यहाँ पर अगर कानून बनना ही था तो डिफरेंट स्टेट्स को अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इस तरीके के लॉ को पास कराना होता। बट दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इस तरीके का लॉ जैसा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से पास नहीं करा सकते। देन लॉजिक नंबर टू, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 स्टेट को प्रोहिबिट करता है फंडामेंटल राइट्स छीनने से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में सिटीजन्स को मिले हैं। अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो गया? तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 एंड 15 जो लॉ ऑफ इक्वालिटी को शो करते हैं, बट ये एक्ट जो है एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है अपने पर्सपेक्टिव में, अपने अप्रोच में। ये एक्ट एक तरीके से आर्टिकल 21 को भी वायलेट करता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में है राइट टू जस्टिस, और यहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन जो ये लोग हैं उनको अपने पुराने मंदिर लेने से एक तरीके से ये एक्ट मना करता है। इस तरीके से राइट टू जस्टिस का वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। आर्टिकल 25, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस ऑन रिलीजियन, ये राइट जो है सबको मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से इसमें जो टेंपल का होना ये भी फंडामेंटल राइट बन जाता है हिंदू, बुद्धिस्ट या जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं जिनसे उनका धर्म स्थान जो है एनक्रोच कर लिया गया है। तो एक तरीके से आर्टिकल 25 का भी यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 29 है, ये दोनों काफ़ी हद तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए कैसे,
आर्टिकल 26 कहता है रिस्टोर मैनेज आउन प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी यहाँ पर जो रिस्टोर का पॉइंट है वो एक्चुअली में हिंदू जैन्स और जो दूसरे लोग हैं उनके फेवर में है। इसके बाद से दोस्तों देखिए आर्टिकल 29, वो भी ये कहता है रिस्टोर एंड प्रिजर्व स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल राइट हिंदू बुद्ध सिख जैन इन सबको देता है, और इसी कारण वो जो है अपने पुराने मंदिर या प्लेस ऑफ वर्शिप की डिमांड कर सकते हैं इन दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उसके थ्रू। यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो हिंदू सिख बुद्ध जैन के जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे उनको वायलेट करता है, और यहाँ पर इन्वेडर्स के द्वारा जो तबाही की गई उन सबको जस्टिफाई करता है। नाउ लॉजिक नंबर 3, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो आर्टिकल 372 सब क्लोज 1 इसके भी खिलाफ है। आर्टिकल 372 सब क्लोज 1 क्या कहता है, तो ये सिंपली ये कहता है कि कोई भी लॉ जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा उतने तक जिसके कानून के जो जो प्रोविजन जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो विरोध कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है एक तरीके से आर्टिकल 372 सब क्लोज 1 को भी बेसिस बना करके नलीफाई करने की डिमांड की जा सकती है। बट अब ये देखिए कि इशू ये है कि फंडामेंटल राइट तो हिंदू का भी है और मुसलमानों का भी है, तो यहाँ पर ये कैसे डिसाइड हो विच वन शुड बी गिवन प्रायोरिटी, देन इसके लिए है हमारा लॉजिक नंबर 4। लॉजिक नंबर 4 क्या कहता है कि देखिए एज पर इस्लामिक लॉ स्टेटस ऑफ मॉस्क कैन बी गिवन टू ओनली सच स्ट्रक्चर्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज पर टेनेट्स ऑफ द इस्लामिक लॉ, एंड देयरफॉर जो बिल्डिंग इस्लाम के प्रिंसिपल्स के खिलाफ होगी वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से मस्जिद तो नहीं हो सकती। यानी दोस्तों यहाँ पर जो एक्चुअली में मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिद बनाए गए हैं उसमें इस्लाम के जो प्रिंसिपल हैं उसको फॉलो नहीं किया गया, तो एक तरीके से हम उसको एक तरीके से लीगल जो मॉस्क होना चाहिए वो नहीं मान सकते एज पर दिस लॉजिक। इसके अलावा एक लॉजिक नंबर 5 है, और इसमें एक कंसेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ डेटी कंसेप्ट इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, और यहाँ पर डेटी जो है एक तरीके से हम उसको एक पर्सन लेते हैं जुडिशियल लैंग्वेज में, और यहाँ पर अयोध्या केस में आपने ऑलरेडी देख लिया है वहाँ पर रामलला को एज अ ह्यूमन बीइंग माना गया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, और यहाँ पर डेटी की प्रॉपर्टी उन्हीं की प्रॉपर्टी रहेगी भले किसी ने इल्लीगल इस पर कब्जा क्यों ना कर लिया हो, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लेरिफाई किया है। आप यहाँ पर इस न्यूज कटलेट में देख सकते हैं रेजिंग डजेंट एंड आइडियल्स प्रॉपर्टी राइट्स, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। इस जजमेंट की एक फेमस लाइन है दोस्तों जो मैं पढ़कर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टेम्पल प्रॉपर्टी इज नेवर लॉस्ट इवन इफ इट इज एंजॉयड बाय स्ट्रेंजर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। यहाँ पर इवन द किंग कांट डिप्राइव टेम्पल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद से दोस्तों देखिए आइडियल डेटी विच इज एम्बॉडीमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इज अ ज्यूरिसडिक्शन पर्सन रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइट द टाइमलेस कांट बी कन्फाइंड बाय द सेकल्स ऑफ टाइम, और ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट मैंने आपको बताया है इस न्यूज कटलेट में, इसको आप सिंपली गूगल सर्च कीजिए और पढ़ लीजिए इस लाइन को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनफाइनाइट द टाइमलेस और उसके बाद से कांट बी कन्फाइंड बाय द साइकल्स ऑफ टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर जो लोग भी ये कहते हैं कि ये तो पुरानी बात हो गई 1100 या 1200 या मतलब 1300 ऐसे समय की बात है, इस समय की या से 700-800 साल पहले की बात है, तो उस बात को आज क्यों मतलब उठाना, आज क्यों रोना धोना इस पर करना। तो देखिए दोस्तों इस जजमेंट में ही क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि टाइम को सिर्फ इशू मान करके किसी कम्युनिटी को उसके राइट से वंचित करना वो सही नहीं है, इस लाइन का यही मतलब है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं लॉजिक नंबर 6 की। आपने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि ये जो एक्ट है किस तरीके से फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, लेकिन दोस्तों इस लॉजिक में मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के भी खिलाफ है। देखिए दोस्तों ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है
एक तरीके से हिंदू जैन बुद्धिस्ट जो सिख ये लोग हैं उनके राइट्स को छीनता है जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दिए गए हैं। और ये है कोर्ट जाने का अधिकार अगर उनकी जमीन को कोई एनक्रोच करे तो, या उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप का जो जगह है उसको कोई एनक्रोच करे तो, इस अधिकार को भी ये एक्ट जो है वो छीन लेता है। अब दोस्तों लॉजिक नंबर 7 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और PIL में इस बात का भी मेंशन किया गया है, इसको पढ़ के मैं एकदम से चौंक गया। यहां पर देखिए दोस्तों, जो इंडिया है वो काफी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज का एक तरीके से सिग्नेटरी है और वहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। और यहां पर आप इसके रिगार्डिंग काफी सारे ये कन्वेंशन देख सकते हैं, इस लिस्ट को आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये सारे कन्वेंशंस इंटरनेशनल कम्युनिटी को चुप कराने के लिए हैं और ये काफी सफिशियंट है इस बात के लिए। यानी यहां पर इंडिया अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक तरीके से डिमोलिश कर देता है, हटा देता है, स्क्रैप कर देता है, तब भी हमें डिप्लोमेटिक लॉस नहीं होगा किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। बट यहां पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लोबल मीडिया इस पर बात नहीं करेगा और इसमें आर्टिकल्स नहीं लिखे जाएंगे ऐसा करने के विरुद्ध में। मैं यहां पर सिंपली ये कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट्स होंगी उनको ये अधिकार नहीं होगा और इंडिया जो है एक काफी अच्छा डिप्लोमेटिक गेम यहां पर खेल करके अपने आप को बचा सकता है इन कन्वेंशन का यूज करके। तो दोस्तों अब ये है हमारा इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें क्योंकि इसे बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हमारा UPI ID है kanpaeducation@YBL। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल।